वर्ल्ड कप के 45 मैच खेलने के बाद अब सिर्फ 3 मैच बचे हैं, जिसमें से 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच रोहित शर्मा के होम ग्राउंड यानी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरा सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। वहीं बात करें इंडिया की, तो ऐसा पहली बार हुआ है जब टीम इंडिया बिना कोई मुकाबला हारे सेमीफाइनल में पहुंचा है। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले रोहित शर्मा ने कहा था कि मैं सिर्फ सेंचुरी और हाफ सेंचुरी के लिए नहीं खेलूंगा, मेरा मकसद वर्ल्ड कप जीतना और टीम को एक शानदार शुरुआत दिलाना है। वहीं न्यूजीलैंड ने इस वर्ल्ड कप में शुरुआत तो शानदार की, लेकिन आगे पहुंचते पहुंचते वह 4 मुकाबले हार गई और जैसे तैसे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का सफर पूरा किया। वैसे तो न्यूजीलैंड के आंकड़े भारत के खिलाफ काफी अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं न्यूजीलैंड को भारत आते ही क्या हो जाता है। अभी तक इन दोनों टीमों के बीच कुल 39 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 30 मुकाबले भारत ने जीते और वहीं न्यूजीलैंड ने 8 मुकाबले अपने नाम किए हैं। ऐसे में भारत पर न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी रहा है। वैसे भी यह दोनों टीमें पहले भी सेमीफाइनल में आमने सामने हुई थी, जिसने न्यूजीलैंड ने बाजी मारते हुए भारत को 18 रनों से हराया था। लेकिन अब बारी न्यूजीलैंड की है, क्योंकि अभी तक भारत ने इस वर्ल्ड कप में जितने भी मैच खेले हैं उन सभी में उन्होंने जीत हासिल की है और अभी तक इस वर्ल्ड कप में ऐसी कोई भी टीम नहीं दिखी है जो भारत को बराबर की टक्कर दे सके। वैसे अगर हम बात करें रोहित शर्मा की, तो उन्होंने इस वर्ल्ड कप में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। भले ही उन्होंने 1 सेंचुरी लगाई हो, लेकिन वो जिस तरह इस वर्ल्ड कप में खेले हैं, जिसके कारण टीम को एक शानदार शुरुआत मिली है, जिसके कारण पूरी टीम पर किसी का कोई भी दबाव नहीं होता था और इंडिया आसानी से मुकाबले को अपने नाम कर लेती थी। लेकिन अब जो कल का सेमीफाइनल खेला जाएगा वह उन नॉकआउट मुकाबलों से काफी अलग है। सामने जो न्यूजीलैंड की टीम मुकाबले में खेलेगी वह भारत को पहले भी सेमीफाइनल में हरा चुकी है। ऐसे में भारत के लिए यह एक और भी बड़ी चुनौती है, लेकिन आने वाले मुकाबले में जिस तरह से टीम इंडिया तैयारी कर रही है उसी को देखकर तो यही लगता है कि पूरी टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ी भी काफी प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम यह उम्मीद करते हैं कि भारत भी यह मुकाबला अपने नाम करे और सीधा फाइनल में पहुंच जाए। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत ने अभी तक जितने भी मुकाबले जीते हैं वैसे भी यह सेमीफाइनल मुकाबला जीत लेगी या फिर न्यूजीलैंड एक बार फिर से बाजी मार लेगी? आपको क्या लगता है नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।